हेलो फ्रेंड दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपके फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अपकमिंग ट्रेक में खुलेगा 22 साल पुराना राज, वो भी बिरला परिवार से जुड़ा हुआ। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि दुबई से जो लड़के वाले पहुंचने वाले हैं वो कोई और नहीं बिरला ही फैमिली होगी, जहां पर सैफ अली अपने बेटे का यानी कि अब सिब्बू का रिश्ता, शिवांश का रिश्ता लेकर पहुँचती है पोदार निवास में। और यहाँ पर जो है सीधा सीधा रिश्ता जुड़ा होगा पहले से ही अक्षरा और अबीरा से। देखने को मिलता है कि सैफ अली जैसे अक्षरा को देखती हैं, उसके पाँव देखती है, वो साफ साफ उसकी झलक, उसमें अक्षरा की झलक दिखाई देती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाती उसके गले लगाने के लिए। वो यहाँ पर जैसे ही वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि अबीरा से अब शेफाली ये पूछती है कि क्या तुम अक्षरा की बेटी हो, जिसके बाद वो कहती है क्या आप मेरी मम्मा को जानती हैं, जिसके बाद शेफाली कहती है कि तुम्हारी मम्मा को मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त थी। और यहाँ पर बहुत बड़े राज का खुलासा भी कर देती कि वो हमारे खानदान की बहू रह चुकी हैं। और यहाँ पर पुराने रिश्तों का खुलासा भी अबीरा के सामने आएगा कि अबीरा का अक्षरा और बिरला परिवार का आखिर क्या रिश्ता रह चुका है, और कहीं ना कहीं अबीरा भी उन्हीं की खानदान की बेटी हुई ना। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि सैफ अली सबके सामने एक खुलासा करते नजर आएगी कि अक्षरा बिरला परिवार की बहू थी और कहीं ना कहीं आरोही वो वजह बनी थी कि उसको किस तरह से अक्षरा और अभिमन्यु का रिश्ता तोड़ा था। और यहाँ पर रूही की वजह से जो अबीरा पर इल्ज़ाम लग रहे थे और विद्या उसे नफरत कर रही थी, वो कातिल की बेटी है, लेकिन सब कहानी तब पलट जाएगी जब यहाँ पर सैफ अली सारी कहानी का खुलासा कर देगी कि आरोही यानी कि रूही की माँ की वजह से अक्षरा ने बहुत कुछ सहा है और अबीरा अक्षरा का और अभिमन्यु का रिश्ता भी उसी की वजह से टूटा था, जिसके बाद यहाँ पर कहानी में आएगा बहुत ही बड़ा ट्विस्ट।